हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। एक बार महर्षि पिप्पलाद जी के पास में छह शिष्य कुछ प्रश्नों को लेकर गए। छह शिष्यों में छह प्रकार की शंकाएं या प्रश्न थे और उसका वो समाधान चाहते थे। इन प्रश्नों को जब उन्होंने महर्षि पिप्पलाद जी के सामने रखा तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उनका समाधान किया। यह कथा एक उपनिषद में आती है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद और यह अथर्ववेद की उपनिषद है। अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक विशेषता यह है कि यहां प्रश्न करने की स्वतंत्रता है, बल्कि शिष्य यदि प्रश्न नहीं कर रहा है तो वो उत्तम शिष्य नहीं है, ऐसा माना गया। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। तो बहुत अच्छी यहां कहानी है, कथा है कि प्रश्नों को लेकर वो शिष्य गए हैं और शिष्य को किस प्रकार जाना चाहिए ये भी इस कथा में बताया। समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर, पाणी मतलब हाथ, समित मतलब समिधा। समिधा जो है वो समर्पण का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। अहंकार को हमने भस्म कर दिया है उसका वो संकेतक है, क्योंकि जब आप आहुति डालते हो, समिधा डालते हो तो वो भस्म हो जाती है। ऐसे ये शिष्य, ये बड़े अच्छे उपासक है, इन्होंने भगवान की उपासना की है, भक्ति की है और इनकी निष्ठा है भगवान, भगवान के स्वरूप में। लेकिन अब इन लोगों को परब्रह्म को जानना है। उपनिषद की भाषा में हम कहेंगे अपर ब्रह्म को तो इन्होंने जान लिया है, परब्रह्म को जानना है, इसलिए ये गए हैं। अब जब महर्षि पिप्पलाद ऋषि ने देखा, महर्षि ने, कि ये शिष्य लोग आए हैं, तो उनको कहा कि आप एक वर्ष तक यहीं रहिए इस आश्रम में। और किस तरह रहिए? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्सथ, ऐसा आता है। संवत्सर मतलब वर्ष, आप बड़े संयम से रहिए, तपस्वी जीवन जीजिए और पूरी श्रद्धा रखकर अपना जीवन निर्वाह करें, उसके बाद फिर आप हमसे प्रश्न करिएगा। और महर्षि पिप्पलाद की विनम्रता देखिए, वो कहते हैं कि यदि विज्ञास्याम, यदि मुझको मालूम होगा, यदि मैं जानता होऊंगा तो मैं आपको जरूर उसका उत्तर दूंगा। अब वैसे तो महर्षि पिप्पलाद ब्रह्मनिष्ठ है, ज्ञानी है, लेकिन देखिए अपने बिल्कुल विनम्रता से कहते हैं कि यदि मुझको मालूम होगा। महापुरुषों का यही क्या है, चिन्ह है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या जो है विनय से ही उसकी शोभा होती है। तो पिप्पलाद जी ने उनको कहा आप रहिए। अब ये छह लोग वहां रहते हैं, एक वर्ष बीत गया। अब उसके बाद आचार्य जो महर्षि पिप्पलाद है उन्होंने कहा हाँ अब आप पूछ सकते हैं,
तो यहां पर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। देखिए प्रश्न तो अच्छे होते हैं लेकिन उत्तर भी अच्छे होने चाहिए, तो यहां पे उत्तर भी इतने सटीक और इतने विस्तार से और इतने अच्छे दिए हैं कि सारे शिष्य शरणागत हो गए, बोले आपने हमारे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। तो उत्तर देने वाला ज्ञानी होता है तब ये बात घटती है। प्रश्न करना तो बड़ा आसान है, हम अच्छे अच्छे प्रश्न कर सकते हैं। एक लड़के से पूछा कि तुम परीक्षा में गए थे, प्रश्न कैसे थे? तो लड़के ने कहा प्रश्न तो बहुत अच्छे थे, समस्या उत्तरों में थी, उत्तर नहीं आ रहा है, प्रश्न इज वेरी गुड। सो यहां पर प्रश्न भी उत्तम है, उत्तर भी उत्तम है। अब एक शिष्य है, उसका नाम है कात्यायन कबंधी। वो जाता है और वो प्रश्न करता है। क्या प्रश्न किया उसने? वो पूछता है, गुरुजी कुतो वा इमा प्रजा प्रजायन्ते, ये सारी जो प्रजा है, सारा ये जगत है, जीव जड़ चेतन चराचर, ये कहां से उत्पन्न हुआ? देखो उपनिषद के प्रश्न भी बड़े गहरे हैं, हम लोगों के मन में ये प्रश्न कभी आता नहीं है। हम लोगों के मन में दूसरे प्रश्न आते हैं कि संसार में अधिक से अधिक कैसे धन मिले, कैसे भोग मिले, लेकिन यहां पर ये पूछ रहे हैं कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ ये बताइए आप, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। तो उत्तर यहां पे दिया है आचार्य ने कि परमेश्वर से ये जगत उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने पहले संकल्प किया, एको हम बहुस्याम, मैं बहुत हो जाऊं, और फिर उसने विचार किया कैसे जगत बनाया जाए, तो उसने एक जोड़े को बनाया, उसको यहां लिखा है रई और प्राण। उसका सामान्य अर्थ आप ले लीजिए कि जितने भोग्य पदार्थ है वो उसने बनाए और जितने भोक्ता है, जितने जीव है उनको बनाया। भोग्य पदार्थ पूरा जगत है, अलग अलग तरह के विषय है, और सारे जीव हो गए भोक्ता, उनको बनाया। सूर्य चंद्र को बनाया, सूर्य चंद्र से दिवस रात्र होते हैं, दिन और रात, दिन और रात में हम सारे कर्म भोग करते हैं। यहां पर बहुत अच्छी बात यह कही कि पूरा जगत ईश्वर से ही प्रकट हुआ है, इसलिए आप कहीं पर भी ईश्वर भावना कीजिए, सूर्य को ईश्वर मानिए, चंद्र को मानिए, पृथ्वी को मानिए, बल्कि आप बहुत अच्छा लिखा कि समय को आप ईश्वर मानिए, ये समझिए कि काल ही कौन है, भगवान है, तो इस काल का उपयोग कीजिए, काल की पूजा कीजिए, काल को व्यर्थ मत गवाइए। और यहां पर जो ईश्वर का नाम दिया है वो है प्रजापति, तो प्रजापति सृष्टि का कारण है, कोई जड़ वस्तु सृष्टि का कारण नहीं, ये यहां उत्तर दिया है। और वो प्रजापति सृष्टि बना के कहीं ऊपर बैठा है ऐसा नहीं, वही पूरे जगत में व्याप्त हो गया, इसलिए आप कहीं भी ईश्वर की भावना कर सकते हैं, ऐसा उस कात्यायन कबंधी को उत्तर दिया, उसको संतोष हुआ। उसके बाद दूसरा शिष्य है, उसने एक पूछा, उसका नाम है भार्गव वैदर्भी, विदर्भ देश से आया है, वैदर्भी। आचार्य ने पूछा क्या प्रश्न है आपका? तो बोले देखिए ये सब शरीर तो बन गए, हाँ ईश्वर के द्वारा पूरा जगत बना, शरीर भी बने, अब इस शरीर को कौन धारण करता है और इनमें कौन देवता बैठे हैं, कौन इनमें प्रधान है? तब यहां पर उत्तर देते हैं आचार्य, बोले इसमें
एक तो पंच महाभूत है और दूसरी बात प्राण इन सबको धारण करके रखता है। प्राण 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 को देव कहा है। देखो ये उपनिषदों में क्या है, इंद्रियों को भी देव कहा, मन को भी देव कहा, बुद्धि को भी देव कहा, प्राणी को भी देव कहा। प्राण को देव का अर्थ होता है द्योतना देव, जिसमें चमक है, तेज है। तो प्राण मतलब क्या है, ऊर्जा है, पावर है। तो बोले प्राण इन सबको धारण करते हैं, सारी इंद्रियों को। इन्हें बड़ा एक अच्छी छोटी सी कथा बताई, बोले प्राण श्रेष्ठ है। ये समझने के लिए आचार्य ने कहा कि देखो जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां होती है और उनमें एक होती है रानी मक्खी, उनके लीडर होती है। वो उठती है तो सब उठने उड़ जाती है, वो जहां बैठती है तो सब बैठ जाती है। ये प्राण भी ऐसा ही हुआ, जब प्राण उठने लगा तो सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई। पहले ये इंद्रियों को ये लग रहा था कि हमारे कारण ये शरीर चल रहा है, आंख नाक कान इत्यादि जितनी इंद्रियां है, बोले हमने धारण किया हुआ है। प्राण मुस्कुरा रहा था, बोले ठीक है आप धारण कीजिए मैं चलता हूं। जब प्राण उठने लगा सब व्याकुल हो गई, तब उनको समझ में आया कि प्राण ने धारण किया है। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसी कहानी आती है, ये एक एक इंद्रियों का अभिमान हो गया कि हमने शरीर को धारण किया है। तो वहां पे वाद विवाद होने लगा, कलह होने लगा। नेत्रेंद्रिय कहने लगी मैं श्रेष्ठ हूं, कर्णेंद्रिय कहने लगी नहीं मैं। तो हुआ ये कि एक एक इंद्रियों को जो अभिमान था, तो लोगों ने कहा ठीक है आप चले जाइए, उसके बाद भी देखते हैं शरीर रहता है कि नहीं। आप निकल जाने पर यदि शरीर चला जाता है, मर जाता है, तो फिर ठीक है आप श्रेष्ठ है, सिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है। तो नेत्रेंद्रिय निकल गई, अब आंख निकल गई, फिर भी शरीर तो मरा नहीं, अंध व्यक्ति की तरह वो मनुष्य जीता रहा। वो नेत्रेंद्रिय देखती रही कि अरे वाह मेरे बिना भी चल रहा है, बड़ी लज्जित हुई। फिर कर्णेंद्रिय निकली, फिर भी शरीर चल रहा है, केवल बस उसको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब प्राण निकलने लगे तो सारी इंद्रियों की मानो की जान ही निकलने लगी। सब लोगों ने कहा आप श्रेष्ठ है। तो प्राण को श्रेष्ठ यहां पर भी यही कहा। और वो इंद्रिया उस प्राण के प्रति ऐसी श्रद्धावान हो गई, यहां बहुत बढ़िया वर्णन है, सारी इंद्रिया जो है वो प्राण की स्तुति करती है। बोले बस आप ही है, आप ही सूर्य है, आप ही वायु है, आप ही मेघ है, जो जहां जहां वो देख रही है इंद्रिया, बस प्राण ही है। देखो एक बार आपका विश्वास किसी के प्रति बढ़ जाता है तो सब दूर वही दिखता है। तो प्राणों की उन्होंने क्या की स्तुति की। तो यहां सिद्ध कर दिया, उत्तर दे दिया कि बोले तुम्हारा प्रश्न है कौन धारण करता है, प्राण, और श्रेष्ठ कौन है सब में, इंद्रिय मन बुद्धि में, प्राण। तो यहां प्राण की बड़ी महिमा बताई है इस उपनिषद में। अब आचार्य ने कहा हां अब कौन है तीसरा शिष्य, कौन है, क्या प्रश्न है। तो एक कौसल्य नाम का शिष्य है, वो अश्वल के पुत्र है, उसका नाम है अश्वलायन। उसने पूछा, बोले आपने प्राण के बारे में इतना कहा, ये प्राण किससे उत्पन्न होता है, प्राण का कारण क्या है, और ये प्राण पूरे शरीर को किस तरह धारण करता है, ये बताइए। तो प्राण किससे उत्पन्न होता है, ये जब पूछा तो आचार्य कहते हैं बड़ा कठिन प्रश्न है। अपने प्रश्न पत्र में भी होता है ना, कुछ सरल होते हैं कुछ कठिन होते हैं, सरल प्रश्न जल्दी हम हल करते हैं, यहां उन्होंने कहा ये प्रश्न कठिन है। लेकिन इसका उत्तर ये है कि प्राण जो है वो आत्मा से उत्पन्न होते हैं। और कैसे उत्पन्न होते हैं, बहुत अच्छा यहां आचार्य ने उत्तर दिया, बोले जैसे
शरीर की छाया उत्पन्न होती है, प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो छाया उत्पन्न होती है। बोले ऐसे ही आत्मा की ये छाया है प्राण, आत्मा की ही छाया है, छाया की तरह है। अब देखो यार हल्के से ये बता दिया, छाया वैसे सत्य होती नहीं, केवल आभास होता है। ऐसे ही आत्मा सत्य है, प्राण तो उसके ऊपर एक क्या आभास है। प्राण का भी मूल क्या है? आत्मा है। प्राण देखिए जड़ है, उसमें सब कुछ शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। लेकिन हमको तो क्या, मैं हूं ये ज्ञान है, तो हम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है। तो आत्मा उसके मूल में है। अच्छा, और ये प्राण क्या करता है? तो बोले इसके पांच विभाग कर देता है। बड़ी अच्छी है संवाद बताया। प्राण क्या करता है? जैसे किसी गांव में कोई एक बड़ा अधिकारी जाता है तो वो उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको वो काम बांट देता है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। बोले ऐसे ही प्राण जो है वो सम्राट की तरह, मुख्य अधिकारी की तरह, और उसने व्यान, अपान, उदान, समान, इनको जो है चार काम बांट दिए। उनको कहा ये तुम करो, और स्वयं भी उसने एक अपना काम लिया। उसको कहते मुख्य प्राण। मुख्य प्राण ने क्या काम लिया? श्वास प्रश्वास। ये तो श्वास प्रश्वास है, मुख्य प्राण। अपान वायु, उसको कहा तुम ये पूरे भोजन को नीचे ले जाओ, पेट के नीचे। समान वायु, उसने अपने आप को ही देखिए पांच भागों में विभक्त किया है। समान वायु को कहा तुमको भोजन पचाना है, तो समान वायु भोजन पचाती है पेट में, और फिर सारे शरीर में पोषण होता है। व्यान को कहा तुमको पूरे शरीर में रक्त संचार का काम करना है। इस उपनिषद में कहा है 72,000 नाड़ियां हैं, उनके अंदर ये व्यान वायु विचरण कर, रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन। और ऐसे ही उदान वायु को कहा कि तुमको ऊपर की सारी जो क्रियाएं हैं वो करनी है, मतलब ऐसे छींक आती है, उबासी आती है, और ये जीव जब इस शरीर से निकलता है तो उदान को कहा तुमको इसको ले जाना है दूसरे शरीर में। तो उदान से ये जीव का उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण मतलब जीव इस शरीर को छोड़ता है। तो इस तरह प्राण कैसे उत्पन्न होता है, क्या करता है, ये जो पूछा था कौशल्य ने उसका उत्तर दिया। कितने हो गए? 3 हो गए। कात्यायन, कबंदी, भार्गव, वैदर्भी, कौशल्य, अश्वलायन। अब अगला शिष्य है चौथा, वो कौन है? सौर्या यणी उसका नाम है। देखो कितनी अच्छी कथा है, संवाद है। सौर्या यणी सूर्य के पौत्र है। इसने जब सुना कि अच्छा ये शरीर की धारणा होती है और हम लोग फिर जीते हैं, तो उसने देखा कि देखो अब हम लोग जो है जीते हैं तो 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो वो पूछता है पिप्पलाद महर्षि से, महाराज ये बताइए कि नींद में जब हम जाते हैं तो कौन जागता है, कौन सोता है? देखो ये प्रश्न, बड़े सूक्ष्म प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे मन में आते ही नहीं कभी। जो अंतर्मुखी होता है, जो ध्यान इत्यादि करता है, उसके मन में ये प्रश्न आते हैं। तो आचार्य बड़े खुश हुए, बोले बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो बोले इसका उत्तर है कि जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, नींद में, तो मन सो जाता है, मन लीन हो जाता है, इंद्रियां भी लीन हो जाती है। कहां लीन होती है इंद्रियां मन? तो बोले आत्मतत्व। ऐसा लिखा कि हम परमात्मा से मिलते हैं सुषुप्ति में, ऐसा वर्णन है। लेकिन इतना अज्ञान होता है कि हमको भान नहीं होता कि हम उनसे मिल रहे हैं। और जागता कौन है नींद में? तो बोले प्राण जागते रहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, सब अपना अपना काम करते रहते हैं कि नहीं? नींद में भोजन पचता है, रक्त संचार चलते रहता है, श्वास प्रश्वास की क्रिया होती रहती है। तो बोले ये जागता है, बाकी सब सो जाते हैं।
और जैसे उदाहरण दिया आचार्य ने कि सारे पक्षी जैसे शाम को पेड़ में आके बैठ जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं, दिन भर आवाज करते हैं, ऐसे अपना मन इंद्रिया दिन भर काफी एक्टिव रहती, सक्रिय होते हैं, लेकिन सुषुप्ति में सब लीन हो गए। तो ये उत्तर हो गया। फिर पांचवा शिष्य जो है उसने प्रश्न पूछा, उसका नाम है सत्यकाम, वो शिवी का पुत्र है सत्यकाम। उसने क्या प्रश्न किया? उसने कहा कि हमने ओमकार के बारे में सुना है, प्रणव ओमकार उपासना, प्रणव उपासना। तो बोले प्रणव उपासना का क्या फल है और वो उपासना कैसी की जाती है? तो यहां उत्तर दिया कि प्रणव या ओमकार में तीन मात्रा होती है, अकार उकार मकार, अ उ म, और एक एक की प्रधानता से ओम का जप होता है। अकार की प्रधानता से, यदि आकार की प्रधानता से हमने जप किया, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया, तो बोले उसका एक फल होता है वो सदाचारी बनता है, संयमी होता है, और मनुष्य लोक में उसका जन्म होता है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, सज्जन, आकार की प्रधानता। उकार विशिष्ट, उकार की मात्रा से विशिष्ट होकर जप किया जाए तो बोले वो चंद्र लोक में जाता है, ये उपासना का फल है, जप का फल। और त्रिमात्रा जो तीसरी मात्रा है उससे विशिष्ट होकर, उसके ऊपर ज्यादा बल देकर, ज्यादा ध्यान दिया आपने और ध्यान किया जप किया तो ब्रह्मलोक में उसकी गति होती है। और कहते हैं यदि आपने तुरीय मतलब अमात्रा का ध्यान किया खूब, अकार उकार मकार दो ओंकार के बीच में अमात्रा है, वो आत्मा है, उसका ध्यान किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया, उसको कहते परब्रह्म, तो वो परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो हमेशा के लिए मुक्त होता है। आकार उकार मकार की उपासना करने से उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, मनुष्य लोक, चंद्र लोक, ब्रह्म लोक, लेकिन पूर्ण मुक्ति यदि चाहिए तो परब्रह्म का ध्यान कीजिए, जहां पर अ उ म तीनों शांत हो जाते हैं, ऐसा बताया। हो सत्यकाम बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले हाँ बहुत दिनों से शंका थी अब उत्तर मिला। फिर आखिरी शिष्य है, उसका नाम है सुकेशा भारद्वाज। उसने कहा कि मेरे को एक प्रश्न है। बोले क्या हुआ, क्या प्रश्न है? तो आचार्य जी से कहता है कि मेरे पास एक दिन एक कौशल देश का एक राजकुमार आया, उसका नाम था हिरण्यनाभ, और उसने मुझसे पूछा कि तुम षोड़श कला पुरुष को जानते हो क्या, 16 कलाओं वाला पुरुष तुम जानते हो क्या? तो वो सुकेशा कहता है, मैंने उसको झूठ नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, क्योंकि सुकेशा कहता है मुझको मालूम है झूठ बोलने से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, इहलोक परलोक, वहां उसने कहा मूल सहित सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। इसे पेड़ का जड़ निकाल दिया जाए तो पूरा पेड़ नष्ट हो जाता है, इसलिए बोले मैंने उसको झूठ नहीं कहा, मैंने कहा मैं जानता नहीं। तो अब मैं आपके सामने प्रश्न कर रहा हूं कि आप बताइए 16 कलाएं क्या होती है और 16 कलाएं वाला पुरुष कौन है? जब ऐसा पूछा तो महर्षि पिप्पलाद जी ने उत्तर दिया, बोले 16 कला वाला तो ईश्वर है, उसमें 16 कलाएं होती है। और वो 16 कलाएं क्या है? तो देखो उपनिषदों में 16 कलाओं का वर्णन है, इस उपनिषद में नाम उसका दिया है। बोले एक है सबसे पहले समष्टि प्राण, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वो उसकी एक कला है। फिर श्रद्धा, केवल गिना देता हूं मैं, हिरण्यगर्भ, फिर दूसरा श्रद्धा, फिर पंच तत्व, ये उसकी कलाएं हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 और 2 7। उसके बाद कहते हैं इंद्रिय 8, मन 9, फिर अन्न। देखो इसका अर्थ ये, जो कलाओं का अर्थ है कि इंद्रिय ईश्वर से ही ये सब प्रकट हुआ है,
ईश्वर की सत्ता ना हो तो ये कुछ रह नहीं सकते। इन सबसे युक्त जो है वो ईश्वर है। तो आठवीं हुई इंद्रिया, नवीं हुई मन, दसवां हुआ अन्न। फिर अन्न खाने के बाद वीर्य उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, बोले वो ग्यारहवीं कला है। अच्छा, जब बल शक्ति होती है तो व्यक्ति तप कर सकता है, तो बारहवीं कला है तप। फिर कहते हैं तप करने के लिए कुछ मंत्र बताए, तो वो मंत्र उत्पन्न हुए, मंत्र उनकी कला है ईश्वर की, तो तेरहवीं कला। फिर चौदहवीं कला क्या है, तो कहा कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म, यज्ञ याग आदि कर्म, ये कला है। पंद्रहवीं कला क्या, तो बोले व्यक्ति जब कर्म करता है, ये तप करता है, तो उसको लोक की प्राप्ति होती है। अभी जैसे हमने कहा चंद्रलोक, सूर्यलोक, पितरलोक, हाँ देवलोक, तो ये कर्म फल लोक, ये पंद्रहवीं कला है। और सोलहवीं कला क्या है, तो बोले सारे जीवों के जो नाम है ना अलग अलग, यज्ञदत्त, देवदत्त, ये सब क्या है, ये सोलहवीं कला है नाम। आप देखिए जगत में हर वस्तु का नाम है, तो ये सारी कलाएं उस ईश्वर की है। अब देखो ये उपनिषद में वर्णन है। अच्छा, दूसरी जगह आप देखें, अब जैसे कृष्ण भगवान को क्या कहा, सोलह कला वाला, राम जी को क्या कहा है, बारह कला वाला। वैसे राम जी भी पूर्णावतारी है इसलिए वो भी सोलह कला वाले ही है, लेकिन बारह कला मानते। वास्तव में सूर्य वंश में पैदा हुए, सूर्य की बारह कलाएं होती है, इसलिए राम जी द्वादश कला युक्त, बट पूर्ण है। और कृष्ण भगवान चंद्र वंश में उत्पन्न हुए, तो वो सोलह कलाएं हैं। अब वो चंद्र की सोलह कलाएं बताई जाती है, वो उसका वर्णन यहां नहीं है। अमृत, मनदा, पुष्टि, तुष्टि, धृति इत्यादि है। और वैसे भगवान की सोलह कलाएं मानी जाती है, वो पुराण इत्यादि में अन्य ग्रंथों में वर्णन है। तो जैसे धन संपत्ति एक कला है, फिर अचल संपत्ति, भू संपदा, ये एक कला है, फिर कीर्ति, फिर वाणी, ज्ञान, क्रिया, अनुग्रह, सत्य, ऐसी एक सोलह कलाएं बताइए। तो तीन तीन जगह वर्णन है, चंद्रमा की सोलह कलाएं हैं, भगवान की सोलह कलाएं, सगुण साकार भगवान की, और यहां उपनिषद ने तो जो सगुण निराकार भगवान है, सगुण निराकार ईश्वर, उसकी ये सोलह कलाएं यहां बताई है। समष्टि, प्राण, श्रद्धा, पंचतत्व, हाँ, इंद्रिय, मन, अन्न इत्यादि। अब जब ये सुना है उस सुकेशा भारद्वाज ने बड़ा खुश हुआ और वो समर्पित हो जाता है। और वास्तव में सारे के सारे शिष्य पिप्पलाद ऋषि को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, आप तो हमारे पिता है, परम ऋषिभ्य, आप परम ऋषि है, आप पिता है। पांच लोगों को पिता कहा है, पिता संज्ञा दी गई है। जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता, पंचेते पितरा पितरस्मृता। बोले जो हमको जन्म देता है वो पिता है, फिर हमको जो यज्ञोपवित संस्कार कराता है और अध्यात्म मार्ग में ले जाता है वो दूसरा पिता है, उसको पिता माना गया, उपनेता उसको कहते हैं। फिर तीसरा जो विद्या देता है, जैसे यहां महर्षि विद्या दी, विद्या देने वाला वो पिता है। अन्नदाता, जो अन्नदाता है और जो भय से हमको मुक्त करता है वो है पिता। छो शिष्यों ने कहा आप हमारे पिता है, आप में सारे ही गुण हैं, आपने ज्ञान दिया, अन्न दिया, एक वर्ष तक भय से मुक्त किया, मरण के भय से, तो आप हमारे लिए परम आदरणीय। बार बार वो प्रणाम करते हैं और वहां से वो चल पड़ते हैं। उन्होंने उनकी बड़ी क्या की, अर्चना की। अच्छा, यहां महर्षि पिप्पलाद जी भी कहते हैं
कि बोले बस इससे आगे और जानने योग्य नहीं है, ना तब परमस्ति। और वो खुद कहते हैं मैं इतना ही जानता हूं, फिर यहां विनम्रता। इस तरह यहां पर ये प्रश्न उत्तर के रूप में ये प्रश्नोपनिषद की कथा है। छह शिष्य है, छह प्रश्न है। अब इसका आप विस्तार प्रश्नोपनिषद में पढ़ सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।